जब हमारे देश में सर्कस में जानवरों की खेल पर पाबंदी लग गई कि आप टॉर्चर करते हो जानवरों को, तो जानवरों का खेल नहीं हो सकता, तो कोलकाता की एक बड़ी फेमस सर्कस थी, उनके पास 10 शेर और 7 हाथी थे, लेकिन हर रोज शेर जो थे वो मीट खाते थे और हाथी चारा खाते थे, तो उनका खर्च हो रहा था, इनकम नहीं थी, तो सर्कस वालों ने सोचा अब इनका क्या करेंगे। उन्होंने 10 के 10 शेरों को एक ट्रक में बिठाकर बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया। 15 दिन के बाद पता चला उन 10 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुत्ते खा गए, क्योंकि वो शेर बना बनाया मीट खाने के आदि हो गए थे, वो अपना टैलेंट भूल गए। दूसरी तरफ कुत्ते भूखे मरते शिकारी बन गए कि भूख से भी तो मरेंगे, चलो इकट्ठे होके शेर को मार लेते हैं। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ज्यादा बड़े बैंक बैलेंस, ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टीज, ज्यादा बड़ी फैसिलिटी छोड़ के जाते हैं, असल में वो अपने बच्चों को सर्कस के शेर बना जाते हैं। हम आज फैसला कर ले इस शो के जरिए कि भले 2 दिन भूखे रह लेंगे लेकिन अपना शिकार खुद मार के खाएंगे, क्योंकि हम लोग नीचे से आए हैं। हर फील्ड में 2 किस्म के लोग होते हैं, ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स। फर्क सिर्फ इतना है, ग्रास रूटर सिर्फ ऊपर को जा सकते हैं और पैराशूटर सिर्फ नीचे को आ सकते हैं। दुनिया की